हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं आपको बताने बल्कि करके दिखाने वाला हूँ कि रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर आप पाइथन का यूज करके कैसे बनाएंगे। मतलब जो रेस्टोरेंट में बिल कैलकुलेशन होता है उसके प्रोजेक्ट या उसके प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे वेबसाइट learnfromrakesh.com को भी एक्सेस करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं कि ये मेरा जो रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर है वो कैसे काम कर रहा है। तो देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर, फिर एंटर द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्ड आइटम, आप क्या क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट आप 5 रोटी ऑर्डर करना चाहते हैं, 2 प्लेट आप राइस ऑर्डर करना चाहते हैं, मिक्स वेजिटेबल आप 1 प्लेट ऑर्डर करना चाहते हैं, चिकन मसाला आपको ऑर्डर नहीं करना है तो आप 0 लिखें, और सपोज दैट आपको 2 डिजर्ट ऑर्डर करना है। तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिल कैलकुलेट होके आ रहा है, प्लीज पे रुपीज 394.2। तो यहाँ पर आपका जो बिल कैलकुलेट हो रहा है उसके कुछ रेट्स हैं, उसके बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें जो है आपको 8% टैक्स भी लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में मेंशन है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम पे जाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले ही हमने टैक्स जो है 0.08 लिख दिया है, इसका मतलब टैक्स जो है 8% है। उसके बाद हमने डिक्शनरी यूज किया है और डिक्शनरी में आप देख सकते हैं कि सारे आइटम के रेट लिखे हुए हैं। रोटी जो है 5 रुपए है, राइस का प्राइस 70 है, मिक्स वेज का प्राइस 100 है, चिकन मसाला का प्राइस 200 है और डिजर्ट का प्राइस 50 है। उसके बाद हमने जस्ट प्रिंट किया है कि रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर और एंटर द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्ड आइटम। यहाँ पर न्यू लाइन के लिए आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इनपुट मेथड का यूज करके जो है सारे आइटम्स या सारे ऑर्डर का इनपुट जो है कस्टमर से लिया है। तो रोटी इक्वल टू इंट, क्योंकि जो भी इनपुट करेंगे वो इंटेजर में कन्वर्ट हो जाएगा, इनपुट और रोटी यहाँ पर लिखा हुआ है, राइस, मिक्स वेजिटेबल, चिकन मसाला, डिजर्ट। हाँ, यहाँ पर एक चीज आप कर सकते हैं कि आप इनके ब्रैकेट में प्राइस भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट डाल के आप लिख सकते हैं यहाँ पर ₹5। तो इस तरह से आप जो है चाहे तो प्राइस भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर प्राइस भी लिख देता हूँ ₹70, जिससे कि एंटर करते समय कस्टमर को पता चल जाए कि इसका क्या प्राइस है। ठीक है, उसके बाद ₹100। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 हमने लिख दिया, चिकन मसाला का हमने लिख दिया ₹200। ठीक है, और उसके बाद डिजर्ट का हमने यहां पर लिख दिया ₹50। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्राइस भी लिख दिया ताकि यूजर जब इनपुट करेगा या कस्टमर जब इनपुट करेगा तो उसे प्राइस भी पता चल जाए। उसके बाद हमने क्या किया है कि रोटी जितना भी उसने ऑर्डर किया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया है रेट और ब्रैकेट में रोटी लिख के। तो ये रेट क्या है, डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में रोटी का रेट लिखा हुआ है तो ये वहां से उठ के आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह बाकी के भी प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्लैश क्यों डाला है, तो ये न्यू लाइन के लिए डाला है। जैसे अगर आपको एक लाइन में आपका जो है जो भी स्टेटमेंट है कंप्लीट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो फिर आप स्लैश डाल के नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। उसके बाद बिल में हमने क्या किया है, कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनटू टैक्स, तो टैक्स कैलकुलेशन करके कॉस्ट के साथ ऐड कर दिया है, और फाइनली हम बोल रहे हैं प्लीज पे रुपीस जो है, उसके बाद परसेंट एफ और फिर परसेंट करके हमने बिल जो है यहां पर प्रिंट कर दिया है। तो चलिए हम यहां पर इसे सेव करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि यहां पर हमने जो है थोड़ा सा चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर। तो यहाँ पर रोटी क्लियर मेंशन है कि 5 रुपए का रोटी है, तो मैं यहाँ पर 10 पीस लिखता हूँ। राइस यहाँ पर 2 प्लेट लिखता हूँ, मिक्स वेजिटेबल यहाँ पर मैं 2 प्लेट लिख देता हूँ, चिकन मसाला 2 प्लेट और डिजर्ट मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ इंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है प्लीज पे रुपीज 907.20। तो इस तरह से आपका रेस्टोरेंट का बिल कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे लुक वाइज चेंज कर सकते हैं, कुछ आइटम्स आप बढ़ा सकते हैं, आप टैक्स चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है डिक्शनरी का साइज भी आप बढ़ा सकते हैं, सपोज दैट आप और भी कुछ आइटम डालना चाहते हैं। तो ये मैंने बेसिक सा जो है आपको बताया है कि अगर रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर का अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं पाइथन में तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आप
आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।